अपने प्रोडक्ट की डिमांड क्रिएट करने के आसान रास्ते क्या क्या है? मैं एडवर्टीजमेंट एक बहुत बड़ा टूल है, बिजनेस करूं मैं उसमें मल्टीफोल्ड तरक्की हो जी, हो लेकिन हो नहीं पा रही। ट्रेडिशनल बिजनेस और सिस्टमेटिक बिजनेस, व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन टू? पूंजी है जी, और मेरे पास आइडिया नहीं है जी। आपके पास आइडिया है, कैपिटल, पूंजी कैसे मैनेज होगा? अब आज का अतिथि है बातचीत। आजकल युवा पीढ़ी का जो नया लड़का लोग है, जो नयो व्यापार करनो चावे है, आपका माता पिता को जो व्यापार है उससे कुछ हटकर करने की कोशिश कर रहे हैं, और वो करने के लिए बहुत सी जानकारियां की जरूरत रवे है। वह जानकारी के अभाव में वे लोग या तो काम शुरू करने से पहले ही दिक्कत में आ जावे है। आज आपने कहने एक अया का अतिथि है जो बिजनेस ट्रेनर है। शुरू में बिजनेस करणिया लोगों के लिए मुख्यतया ये इना की जो ट्रेनिंग है वह बहुत काम की हो सके है। इन विषय में बातचीत करने के लिए आपने कहने है अमित माहेश्वरी जी, जो इंडिया से है, और इना को कार्यक्रम में स्वागत करा। अमित जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नमस्कार। कोई भी इंसान, जैसे बिजनेस हो या इंडस्ट्री हो जी, जब करने की सोचता है तो सबसे पहला प्रश्न उसके दिमाग में होता है कि कैपिटल, पूंजी कैसे मैनेज होगा जी। और आजकल का जो ट्रेंड है उसमें साइजेबल कैपिटल के बिना बिजनेस हो नहीं सकता, आप क्या कहते हैं? जी, आज के समय में किसी भी व्यापार को बहुत तेजी से प्रगति की ओर ले जाने के लिए सबसे मुख्य भूमिका वो पूंजी की होती है। लेकिन आज आपने देखा होगा कि बहुत सारे उद्योगपति बहुत सारे लोगों से आइडियाज शेयर करते हैं। वो कहते हैं कि अगर आपके पास किसी बिजनेस का बेस्ट आइडिया है तो गिव्स अस योर आइडिया। जैसे महिंद्रा कंपनी का आप एडवर्टीजमेंट एक देख रहे हैं टीवी पर, उसमें कहा जाता है कि इफ यू हैव अ बेस्ट आइडिया ऑफ योर बिजनेस वी विल पे यू द मनी, हम आपको पूंजी लगा के देंगे यदि आपके व्यापार में, आपके आइडियाज में दम है। तो फ्रेंड्स, आज किसी भी बिजनेस को स्थापित करने के लिए जरूरी नहीं है कि आपके पास पूंजी की मात्रा बहुत अधिक हो। जिस तरह से देखा जाता है कि बैंक से यदि हम लोन लेना चाहें तो हम बैंक को अपना एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट सबमिट करते हैं, एंड प्रोजेक्ट रिपोर्ट इज जस्ट अ आइडिया। हम यदि एक बैंक, दो बैंक, तीन बैंक, पांच बैंक और दस बैंक के पास जाने के बाद भी वो प्रोजेक्ट पास नहीं होता है तो कोई ना कोई बैंक हमें ऐसा है, कोई ना कोई फाइनेंसर हमें इस तरह का मिलता है जो उस आइडिया को पसंद करके उस पर पूंजी लगाने के लिए तैयार होता है। मेरे पास पूंजी है जी और मेरे पास आइडिया नहीं है जी। आपके पास आइडिया है और आप आइडिया लेके मेरे पास आते हो जी, तो लेकिन मैं आपके ऊपर ट्रस्ट या फेथ कैसे करूं? देखिए, इट इज वेरी टिपिकल टू फाइंड आउट द फर्स्ट पर्सन, क्योंकि पहला व्यक्ति जब हम खोज रहे हैं तो हमारे पास उसको फिजिकली दिखाने के लिए कोई बिजनेस, कोई कंसेप्ट या कोई प्लान है सिर्फ। तो उस प्लान को जब हम मार्केट में लेकर आते हैं तो वी हैव टू डू लॉट ऑफ एफर्ट्स टू गेट द फंड। फॉर एग्जाम्पल, यदि आप किसी वस्तु का प्रोडक्शन कर भी लेते हैं तो प्रोडक्शन करने के बाद भी जब उस नई चीज को बाजार में बेचते हैं तो हर व्यक्ति या बाजार उस चीज को स्वीकार नहीं करता है। तो एक व्यापारी, दो व्यापारी, तीन व्यापारी, जब लगातार आप व्यापारियों से संपर्क करते हैं तो कुछ व्यापारी इस तरह के मिलते हैं जो आपके आइडिया को खरीदने के लिए एग्री होते हैं, आपके प्रोडक्ट को खरीदने के लिए एग्री होते हैं। व्यापार का बहुत पुराना फार्मूला आपने सुना होगा, साझेदारी। साझेदारी एक ऐसी प्रक्रिया है, पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन टू और मोर देन टू पर्सन हु आर एग्री टू इन्वॉल्व द इन्वेस्टमेंट टू रन अप अ बिजनेस। अगर वहां पर फायदा होगा तो आपस में शेयर करेंगे, हानि होगी तो आपस में उसकी भरपाई करेंगे। उसी तरह से आज व्यापार करने के आयाम बहुत बदल चुके हैं। आप फ्रेंचाइजी सिस्टम, अब बिजनेस डेवलपमेंट सिस्टम, डीलरशिप सिस्टम, डिस्ट्रीब्यूटरशिप सिस्टम, इस तरह के सिस्टम डेवलप हुए हैं जिनमें आपके पास यदि व्यापार का आइडिया है तो दूसरे व्यक्ति उसमें इन्वेस्ट करने के लिए एग्री होते हैं। ट्रेडिशनल बिजनेस और सिस्टमेटिक बिजनेस, व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन टू? ट्रेडिशनल बिजनेस इज द बिजनेस की जो व्यापार हम पिछले कई वर्षों से लगातार एक ही क्रम में करते आए हैं, जिसके बारे में हम केवल उतना ही सोचते हैं जितना हमारे पेरेंटल से हमें रिसीव हुआ है, हम अगर हम पेरेंटल बिजनेस कर रहे हैं उनसे हमें प्राप्त हुआ है, या जो हमने सामान्य व्यापार करने का तरीका देखा है। हर इंसान की एक चाहत होती है कि मैं अगर कोई भी बिजनेस करूं मैं उसमें मल्टीफोल्ड तरक्की हो जी, हो, लेकिन हो नहीं पाती, ऐसा रियल टर्म में हो नहीं पाता। इसके लिए क्या याद रखना जरूरी है? देखिए, बेसिकली यदि कोई भी व्यक्ति ये चाहता है कि मेरे बिजनेस में मल्टीपल ग्रो हो तो किसी भी व्यापार को मल्टीपल ग्रो करने के लिए सबसे बेस्ट आपके पास बिजनेस का सही प्रपोजल होना चाहिए। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि मेरे पास एक व्यापार है और आप मुझसे कांटेक्ट करते हैं कि सर मैं इस बिजनेस के में इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूं, तो जो सामने वाले व्यक्ति पैसा इन्वेस्ट करने के लिए इंटरेस्टेड है उसके बेसिकली पांच ही सवाल होते हैं कि यदि आपका व्यवसाय मैं करता हूं तो उस व्यवसाय में पूंजी कितनी लगेगी, पूंजी लगाने के बाद उसके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या होंगे, सामान्य हमारे मंथली एक्सपेंसेस क्या होंगे, मंथली एक्सपेंसेस कवर करने के बाद मुझे आय कितनी प्राप्त होगी, और उसके बाद आपकी तरफ से मुझे क्या क्या सपोर्ट्स एंड सर्विसेज मिलेंगी।
जब इन पांचों सवालों का जवाब सही क्रम के रूप में एक फ्रेंचाइजी या बिजनेस प्रपोजल के रूप में आप किसी व्यक्ति को रिप्रेजेंट करते हैं, तभी वो आपके व्यापार में पैसा इन्वेस्ट करने के लिए इंटरेस्टेड होता है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, फिर ब्रेक के बाद आप सबको फिर से स्वागत है। अभी आप बातचीत कर रहे हैं बिजनेस ट्रेनर अमित महेश्वरी जी से। ये बात सही है कि आज की दुनिया में एडवर्टीजमेंट एक बहुत बड़ा टूल है, साथ साथ में इट्स एक्सपेंसिव अफेयर ऑल्सो। तो नई कंपनियों के लिए तो ये तो पॉसिबल चीज नहीं है। एडवर्टीजमेंट और ब्रांडिंग नॉट ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम द ह्यूज इन्वेस्टमेंट। यदि हम बात करें कि जब किसी भी व्यापार की स्थापना हम लोग कर रहे हैं, किसी ब्रांड को हम एस्टेब्लिश करने जा रहे हैं, तो जरूरी नहीं है कि एडवर्टीजमेंट आप टीवी के माध्यम से, अखबार के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से आप करें। अपने प्रोडक्ट की डिमांड क्रिएट करने के आसान रास्ते क्या क्या? फ्रेंड, डिमांड, किसी भी प्रोडक्ट की डिमांड क्रिएट करने के लिए सबसे मुख्य रास्ता तो विज्ञापन है। विज्ञापन के अलावा आपके प्रोडक्ट में कुछ ऐसा डिफरेंट होना चाहिए कि उस सेम ट्रेड के प्रोडक्ट में किसी और में ना हो। उदाहरण के लिए आप बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे देखेंगे जिनका केवल मात्र एक टेस्ट, अगर वो ईटेबल आइटम है तो उनका टेस्ट ही कुछ इस तरह का है कि ग्राहक उस प्रकार के वस्तुओं की मांग करते हैं। कई बार अपने प्रोडक्ट को फेमस करने के लिए आप शोज में, आप मीटिंग्स में अपने फ्री ऑफ सैंपल फूड्स, कई बार आपने देखा होगा कुछ शॉपकीपर, यदि आप उनकी शॉप पर जाते हैं, आप एक मिठाई खरीदते हैं लेकिन वो कहते हैं कि सर एक सैंपल आप चख के देखिए, आप टेस्ट करके देखिए, अगर आपको टेस्ट पसंद आए तो आप लीजिएगा, नहीं तो छोड़ दीजिएगा। और जरा सा उसका टेस्ट करने के बाद ही आपको लगता है कि ये प्रोडक्ट भी अच्छा है, और न केवल एक बल्कि जिनकी आपको जरूरत नहीं थी वो भी आप परचेज करते हैं। तो फ्रेंड, जब भी हम अपने प्रोडक्ट के बारे में बात करें तो सबसे बेस्ट आइडिया, जहां पर भी हो, हम लोग कुछ छोटे सैंपल्स उसके बनाएं, फ्री ऑफ सैंपल डिस्ट्रीब्यूट करें, गिफ्ट सैंपल्स। इसके अलावा जो सोशल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनमें पार्टिसिपेट करें, उनमें अपना स्टॉल लगाएं, अपने प्रोडक्ट के बारे में जानकारी दें, अपने प्रोडक्ट, अगर वो ईटेबल प्रोडक्ट फूड प्रोडक्ट है तो उसके सैंपल फ्री ऑफ कॉस्ट लोगों को खाने के लिए दें। ये भी विज्ञापन का एक माध्यम है। नहीं, ये जो चीज आप कह रहे हो ये तो कंज्यूमर आइटम जो ईटेबल है जी उनमें तो लागू हो सकती है, लेकिन प्रोडक्ट तो हजार किस्म के प्रोडक्ट होते हैं जो कि आप फ्री ऑफ कॉस्ट देने की स्थिति में भी ना हो सकते हैं। बिल्कुल ठीक बात है। तो उस स्थिति में क्या होगा? उस स्थिति में आपका क्वेश्चन था कि किस तरह से हम कंज्यूमर डिमांड बढ़ाएं। कंज्यूमर डिमांड बनाने का और बेहतर तरीका होता है कि जब आप अपने व्यापार में जितने भी डीलर, जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर या जितने भी फ्रेंचाइजी आप अपॉइंट कर रहे हैं, आप यदि फ्री सैंपलिंग नहीं कर सकते तो अपने फ्रेंचाइजी डीलर या डिस्ट्रीब्यूटर को एडिशनल बेनिफिट अदर देन द नॉर्मल रूटीन प्रॉफिट आप दें, ताकि उनका इनिशिएटिव बढ़े आपके प्रोडक्ट को फेमस करने के लिए। जब एक डीलर को किसी भी प्रोडक्ट में, उदाहरण के लिए मान लीजिए मैं किसी वस्तु का डीलर हूं और मेरे पास 5 प्रोडक्ट डिस्प्ले में रखे हुए हैं, तो सबसे पहले मेरा उद्देश्य उस प्रोडक्ट को बेचने का रहेगा जिसमें लाभ की मात्रा अधिक है, और इनिशिएटिव उस प्रोडक्ट को बेचने का रहेगा जिसके लिए मेरे पास कुछ प्रमोशनल स्कीम्स आई हुई हैं। तो हमेशा आप अपॉइंट करें अपने इस तरह के डीलर जिनको आप मोटिवेशन करें, मोटिवेशन इन द टर्म्स ऑफ गुड मार्जिन। लेकिन उसमें यह भी तो होता है ना, जैसे मान लो जो कंपिटिटर्स होते हैं जी अपने, आपके अपने ग्रुप में या अपने मतलब उसी लाइन के बिजनेस में जी, तो वो कंपिटिटर अगर वो चीज को फॉलो नहीं कर रहे हैं जी, तो आप उससे कम्पीट नहीं कर पाओगे, आप मार्केट से आउट हो जाओगे। फ्रेंड, मैंने आपको बीच में आपका एक सवाल था कि किस तरह से हम लोग अपने फ्रेंचाइजी या डीलर को मैक्सिमम प्रॉफिट दें, तो वहां पर आपको हमेशा इस चीज को फोकस करना होगा कि किस तरह से अपनी कॉस्ट को रिड्यूस करें। फ्रेंड, आपके व्यापार से संबंधित गवर्नमेंट के पास जो आपका लेखा जोखा है उसका मूल्यांकन आपके टैक्स भुगतान के अकॉर्डिंग किया जाता है। डू नॉट ट्राई टू डिक्लाइन योर स्टेटस इन टैक्स पेइंग, ऑलवेज ट्राई टू इंक्रीज दैट लेवल। जब आप उस लेवल को इंक्रीज करेंगे ना, तो आपके ही व्यवसाय में, आप ही के कॉम्पिटिशन में आपका एक ब्रांड स्टेटस कायम होगा कि दिस ऑर्गेनाइजेशन वर्क्स 100% इन टर्म्स ऑफ वाइट, एंड कंज्यूमर फेथ आपके ब्रांड के प्रति, फ्रेंचाइजी एंड डीलर एंड डिस्ट्रीब्यूटर का फेथ आपके ब्रांड के प्रति तेजी से ग्रो करता है। अंत में जाते जाते आप दर्शक को क्या कहना चाहेंगे? फ्रेंड्स, माय सजेशन इज दैट कि आप जो ऑलरेडी बिजनेस कर रहे हैं उस बिजनेस में आप लेटेस्ट फॉर्मुलाज को अडॉप्ट करें, क्योंकि फ्रेंड आज मल्टी ब्रांड्स का जमाना है, आज शोमैनशिप का जमाना है। ट्राई टू इंप्रूव योर बिजनेस, ट्राई टू इंप्रूव योर स्टाइल ऑफ एडवर्टीजमेंट, ट्राई टू इंप्रूव योर स्टाइल ऑफ बिजनेस। दैट्स माय गुड आइडिया अबाउट टू जनरेट द गुड बिजनेस इन अ मार्केट, एंड ऑलवेज स्टडी अबाउट योर कॉम्पिटिटर्स, हाउ दे आर डूइंग एंड वट अकॉर्डिंग टू दैट You have to do best as per they are doing. आप इस कार्यक्रम में आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार है। धन्यवाद। दर्शकवृंद, अभी आप बातचीत कर रहा था बिजनेस ट्रेनर अमित महेश्वरी जी से। आप लोग इना की बात सुनिया और ये बात पर जरूर से गौर करोगा, विशेष करके जो नयो बिजनेस में लागण चावे है उनके लिए शायद या इन इना की बात
बहुत महत्वपूर्ण हो सका है।